नमस्कार दोस्तों, कतर में फुटबॉल का वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया है, लेकिन ये अब तक का सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल यानी विवादित वर्ल्ड कप है। आज न्यूज मेड इजी में इसी विवाद के मैं 5 पॉइंट आपके सामने पेश करूंगा। पॉइंट नंबर 1, कतर एक बहुत छोटा देश है, वहां का पॉपुलेशन सिर्फ 28 लाख है, 3 लाख लोकल लोग और 25 लाख माइग्रेंट वर्कर। वहां पहुंचे हैं 13 से 15 लाख फुटबॉल फैन। उनके रहने का बंदोबस्त करना एक बहुत बड़ा टास्क है, जिसमें कतर पूरी तरह से पास नहीं हुआ है। कतर में सिर्फ 31,000 होटल रूम है, इसलिए फैंस के रहने के लिए टेम्पररी कमरे, कैबिन और टेंट का इंतजाम किया गया है। ऐसे फैन विलेज बने हैं जहां लोग टेंट में रह रहे हैं, जिसके लिए उन्हें हर रोज $200 यानी 16,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। एंड fans are not happy. Once we got here, our impressions were not precisely all positive. Football fans ke liye fan zone bhi bane hain, jahan giant screen lage hain. वहां भी अरेंजमेंट को लेकर फैंस गुस्से में हैं। भीड़ को कंट्रोल करने का कोई भी सिस्टम नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है। कहीं कहीं तो स्टेडियम में भी फैंस घुस नहीं पाए। Standing from 4 o'clock and it is really embarrassing for us. Will you be missing the first game? Yes, of course. जो लोग कतर में वर्ल्ड कप को अपोज कर रहे थे, वे कह रहे हैं, देखो हमने कहा था ऐसा होगा, कतर वर्ल्ड कप को ठीक से मैनेज नहीं कर पाएगा। पॉइंट नंबर 2, कतर को जब 12 साल पहले वर्ल्ड कप होस्ट करने का राइट मिला था, तब वहां पर ऐसे एक बड़े चीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ भी नहीं था। इन 12 सालों में लगभग 18 लाख करोड़ खर्च करके कतर ने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, एक पूरा नया शहर खड़ा किया है, जिसमें 7 फुटबॉल स्टेडियम, बहुत सारी नए होटलें, एक नया मेट्रो, रास्ते, रोड्स, हाईवे और भी बहुत कुछ। और इन सब को बनाया है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के माइग्रेंट वर्कर्स ने। बहुत खराब वर्किंग कंडीशंस रहे हैं इनके, कड़ी धूप में, बहुत तेज गर्मी में 12-12 घंटे इनको काम करना पड़ा है, और इन वर्कर्स के रहने खाने का बंदोबस्त भी बहुत बुरा रहा है। In the night, some people sleep down here. 2011 और 2021 के बीच हजारों वर्कर्स का कतर में मौत हुआ है और इनके परिवारों को कोई भी कॉम्पेंसेशन नहीं मिला है। इसलिए एमनेस्टी इंटरनेशनल और वर्कर्स राइट्स के लिए लड़ने वाली ऑर्गेनाइजेशंस का डिमांड था कि कतर से वर्ल्ड कप छीन लिया जाए। पॉइंट नंबर 3, एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे कई सारे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने यह भी सवाल उठाया कि कतर, जिसका ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड इतना खराब है, उसको वर्ल्ड कप होस्ट करने का राइट क्यों दिया गया। कतर में एलजीबीटी लोगों को सीधा जेल हो सकता है, और इसलिए इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन फीफा से सवाल किए गए थे कि कतर में एलजीबीटी फैंस की सुरक्षा कैसे होगी। ऑस्ट्रेलिया की फुटबॉल टीम ने इस पर एक वीडियो भी बनाया, जिसमें उन्होंने माइग्रेंट वर्कर और एलजीबीटी लोगों की तरफ अपना सपोर्ट जताया है। It is for these reasons we must speak about the situation in Qatar. We have learned that the decision to host the World Cup in Qatar has resulted in the suffering and in the harm of countless of our fellow workers. As players, we fully support the rights of the LGBTI plus people. और इंग्लैंड की पूरी टीम ह्यूमन राइट्स वायलेशन और इनइक्वालिटी के खिलाफ अपना प्रोटेस्ट जताने के लिए ईरान के साथ मैच से पहले एक घुटने के बल खड़ी हुई थी, जिसे टेकिंग नी कहते। ये प्रतिवाद जताने का दुनिया भर में एक मशहूर ट्रेंड बन गया है। पॉइंट नंबर 4, हाँ, यूरोप के फुटबॉल प्लेयर्स में गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि ये पहला वर्ल्ड कप है जो नवंबर में हो रहा है। फुटबॉल वर्ल्ड कप जून जुलाई में ही ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, लेकिन इन महीनों में कतर में गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि उस टाइम पर वहां फुटबॉल खेलना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। लेकिन यूरोप में ये फुटबॉल का पीक सीजन है, और प्लेयर्स का कहना है कि इस वक्त हम वर्ल्ड कप खेलेंगे तो हम पर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा, हम उसके तुरंत बाद क्लब मैचेस नहीं खेल पाएंगे। और याद रखिएगा, यूरोपियन फुटबॉल एक बहुत बड़ा पैसे का खेल है, जहां प्लेयर्स को मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलते हैं। और इसी से हम पहुंचते हैं हमारी आखिरी यानी पॉइंट नंबर 5 पर, फीफा में करप्शन के आरोप। द विनर टू ऑर्गेनाइज The 2022 FIFA World Cup is Qatar. 2010 में जब कतर को 2022 वर्ल्ड कप होस्ट करने का राइट मिला था, तब फुटबॉल जगत को बहुत बड़ा शॉक लगा था,
और सवाल उठने लगे थे कि ये हुआ कैसे। 2014 में इंग्लैंड की संडे टाइम्स अखबार की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट ने इसका बड़ा खुलासा किया। संडे टाइम्स ने मोहम्मद बिन हमाम, जो कि उस वक्त कतर के फुटबॉल एसोसिएशन के चीफ होते थे, उन पर कई आरोप लगाए कि हमाम ने $5 मिलियन का घूस देकर फीफा के सदस्यों का वोट खरीदा। हमाम ने इस बात को डिनाई जरूर किया, लेकिन उनको कतर फुटबॉल एसोसिएशन ने पोस्ट से हटा दिया और फीफा ने उन पर बैन भी लगा दिया। Did you ever give any money to those officials in the Caribbean? Nobody can claim that. He see me anywhere, you know. फ्रांस के पूर्व फुटबॉल कैप्टन मिशेल प्लातिनी पर भी सवाल उठाए गए थे। प्लातिनी उस वक्त यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन यूएफए के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। 2010 में वर्ल्ड कप वोट से तुरंत पहले मिशेल प्लातिनी, निकोलास सार्कोजी जो कि उस वक्त फ्रांस के राष्ट्रपति थे, और कतर के अमीर तमीम अल थानी के बीच एक मीटिंग हुआ था। उस मीटिंग के बाद प्लातिनी और यूएफए के और सदस्यों ने कतर के पक्ष में अपना वोट डाला, जो कि एक डिसाइसिव वोट था। आरोप यह है कि इसके बाद कतर से फ्रेंच फुटबॉल क्लब्स को ढेर सारा स्पॉन्सरशिप मिला, फ्रांस को आर्म्स कॉन्ट्रैक्ट मिले, कतर ने फ्रांस से 50 एयरबस प्लेन भी खरीदे और सार्कोजी को भी कतरी हेज फंड से पैसे मिले। फीफा ने पूरे मामले की जांच जरूर की, लेकिन सबको क्लीन चिट दे दिया। लेकिन फीफा के लीड इन्वेस्टिगेटर ने खुद फीफा के जांच पर सवाल उठाए हैं। तो ये है 5 पॉइंट कि कतर में होने वाली वर्ल्ड कप इतना विवादित क्यों है। लेकिन एक सवाल और भी है, क्या कतर के खिलाफ जो कैंपेन चलाई है पूरी तरह जायज है, या क्या इसके पीछे रेसिज्म और इस्लामोफोबिया छिपा हुआ है? कतर की सरकार तो यही कहती है, आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखिए, हमें बताइए। इस पर हम एक पोल भी करेंगे जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। इस पोल में अपना वोट जरूर डालिएगा। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाइए, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले वीडियो तक नमस्कार।